हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गरीबों के हिस्से के गेहूं घटक रहा राशन डीलर। पामेरा में राशन डीलर द्वारा गेहूं का गबन। रेवदर उखंड के गांव पामेरा में उचित मूल्य की दुकान पर राशन डीलर की दादागिरी सिर चढ़कर बोल रही है। वो गरीबों का निवाला भी खाने से नहीं चूक रहा है, ना उसे किसी का डर भी है। ना जाने उसके पीछे किस उच्च अधिकारी ने हाथ धर रखा है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को एक ओर केंद्र और राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य सामग्री वितरित करती है, दूसरी तरफ राशन डीलर गरीब व अनपढ़ जनता के मुंह का निवाला भी छीन रहे हैं। एक ऐसा ही मामला रेवदर के पामेरा में सामने आया है। पामेरा के उचित मूल्य विक्रेता बागाराम समर्था राम द्वारा राशन कार्ड धारक को कम राशन वितरित कर गरीब के साथ अन्याय किया जा रहा है। राशन कार्ड धारक ऊना राम समर्था राम रेबारी की पत्नी को प्रतिमाह राशन में पोस मशीन से गेहूं वितरित तो किया जा रहा है, पर राशन डीलर द्वारा मशीन में 20 किलो गेहूं दर्ज कर उसके स्थान पर 15 किलो ही दिया जा रहा है। ऊना राम की पत्नी अनपढ़ होने से उसको इस बात का भान नहीं हो पाया कि राशन डीलर द्वारा हर बार 5 किलो गेहूं कम दिया जाकर राशन कार्ड में भी कम लिखा जा रहा है। कई बार ऊना राम के पुत्र विरमा राम ने भी राशन डीलर बागाराम की कॉल कर और मिलकर भी इसके करतूत के बारे में बोला, पर वो दादागिरी से बाज नहीं आया। विरमा राम को राशन डीलर ने यहाँ तक बोल दिया कि नेतागिरी करके लोगों को जाहिर ना करो। इससे साफ जाहिर होता है कि एक उसके साथ ही नहीं अपितु कई लोगों को इस तरह से राशन कम देकर गेहूँ का गबन किया जा रहा है। कार्ड धारक के पुत्र विरमा राम ने दिया कलेक्ट्रेट को ज्ञापन। राशन डीलर को कई बार इस बात से वाकिफ करवाने के बाद भी नहीं मानने पर कार्ड धारक के पुत्र विरमा राम ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर राशन डीलर बागाराम के खिलाफ राशन कम देने व पोस मशीन से 20 किलो गेहूं जारी कर कार्ड में कम दर्ज करने संबंधी ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। इस तरह गरीबों का राशन हड़प कर कालाबाजारी का गोरखधंधा राशन डीलर द्वारा किया जा रहा है। विरमा राम ने बताया कि ऐसे राशन डीलर के वितरण रजिस्टर व स्टॉक की संपूर्ण जाँच कर लाइसेंस रद्द करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उचित मूल्य दुकान के बाहर गंदगी की भरमार है, जहाँ देखो गंदगी के ढेर पड़े हैं। राशन डीलर को नहीं है गंदगी से लेना देना। क्या कहते हैं उपखंड अधिकारी रामजी भाई कल भी, अभी मुझे जानकारी नहीं है और ना ही कोई शिकायत आई है, और पता करते ही कार्रवाई करेंगे। जागरूक टीवी की नगाड़ी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।